आइसोथर्म क्या होता है? आइसोथर्म होता है कि अगर हम अर्थ का मैप बनाएं तो इक्वल ऐसा लाइन जहां पे इक्वल टेम्परेचर हो, जैसे ये 0 डिग्री की लाइन है, मतलब हर हर जगह यहाँ पे 0 डिग्री होगा, इसे बोलेंगे आइसोथर्म। एंड इसमें क्या होता है, हम मैप से हॉरिजेंटल और लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं, जैसे ये 0 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, 20 डिग्री, ऐसे करके आइसोथर्म बनाते हैं। एंड हर जगह हम टेम्परेचर कैसे देखते हैं, हम एल्टीट्यूड को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि कई जगह पहाड़ होंगे, प्लेट्यूज होंगे, वहां पे अलग अलग टेम्परेचर होगा, तो हम एल्टीट्यूड को कंसीडर नहीं करते, मीन सी लेवल पे देखते हैं कितना टेम्परेचर है, तो सारे टेम्परेचर रिड्यूस टू सी लेवल, तो सी लेवल का टेम्परेचर देखते हैं कितना होगा। फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक आइसोथर्म की कितनी होगी, जनरली पैरल्स को फॉलो करते हैं, जैसे हमारे पैरल्स होते हैं 0 डिग्री, 20, 10, 20, ऐसे करके पैरल्स को फॉलो करते हैं जनरली, कुछ वेरिएशन होते हैं लेकिन जनरल पैरल्स को फॉलो करते हैं। और जहाँ जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, तो यहाँ से कोई आइसोथर्म जा रहा है तो एकदम जब भी लैंड सी से लैंड पे जाएगा एकदम ग्रेजुअली बेंड होगा, तो जब ओशन से कॉन्टिनेंट की तरफ जाता है एकदम बेंड हो, सडन बेंड होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो ये है जो लैंड है और सी है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हीट करती है, तो यहाँ पे लैंड पे जितना टेम्परेचर होगा उतना इसके ही पैरेलल नहीं होगा, तो कहीं इसे यहाँ मुड़ना पड़ेगा, कहीं ऊपर मुड़ना पड़ेगा, एकदम सडन बैंड होता है कहाँ पे, लैंड से सी में जाने में, सी से लैंड में जाने में, और तो सडन बैंड होता है द ओशन कॉन्टिनेंट बाउंड्रीज। एंड फिर नैरो स्पेसिंग का मतलब होता है बहुत ही रैपिड चेंज हो रहा है, अगर यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी स्पेसिंग हो रही है, मतलब यहाँ से 0 से 10 to 20 बहुत जल्दी पहुंच गया, अगर साउथ में देखे तो इतना जल्दी नहीं होता, साउथ में क्योंकि लैंड नहीं है, यहाँ पे 10 डिग्री है तो काफी ग्रेजुअली वहां पे बाद में 20 डिग्री आएगा, तो नैरो स्पेसिंग का मतलब है बहुत रैपिड चेंज हो रहा है, वाइड स्पेसिंग का मतलब है स्लो और वेरी स्मॉल एंड स्लो चेंज हो रहा है। सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर होता है वो ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स पे होता है। ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स क्या होता है, ट्रॉपिक्स मतलब ये है इक्वेटर पे नहीं होता, 0 डिग्री पे नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हर दिन बारिश होती है, बारिश होती रहती है, तो इक्वेटर पे इतना टेम्परेचर नहीं होता, इक्वेटर के थोड़ा ऊपर से ये 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ यहाँ तक, और फिर 30 डिग्री 30 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, 30 to 35 डिग्री साउथ, तो यहाँ पे ही सब ट्रॉपिक्स होता है, तो ये ट्रॉपिक्स है 23.5 डिग्री तक, एंड फिर उसके नीचे सब ट्रॉपिक्स है, तो यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है, लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ रहता है, ये पोलर एरियाज में, ये 70 डिग्री to 90 डिग्री नॉर्थ एंड 70 डिग्री to 90 डिग्री साउथ, यहाँ पे हाईएस्ट लोएस्ट टेम्परेचर रहता है, हाईएस्ट रहता है ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक्स में, लोअर रहता है पोलर रीजन में। और अगर हम ओशन में देखें तो जो जो एनुअल एंड डायनल रेंज होता है टेम्परेचर का बहुत ही लीस्ट होता है, क्योंकि वहां पे हर दिन बारिश होती रहती है एंड इतना टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता है। एंड लेकिन अगर हम देखें कि जो इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स है, अगर दिल्ली में देखें तो कॉन्टिनेंटलिटी का इफेक्ट होता है, तो अगर मुंबई में देखें, वही दिल्ली में देखें, तो बहुत ज्यादा डायनल एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, लेकिन मुंबई में ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर रहता है बिकॉज ऑफ सी सी की वजह से, तो मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है ओशन का, मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ ओशन की वजह से जो मुंबई का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है। आइसोथर्म जनवरी में कैसे मूव करते हैं, अगर हम ये देखें ये नॉर्थ अमेरिका है एंड ये साउथ अमेरिका है, ऐसे तो जो आइसोथर्म है, आइसोथर्म है सपोज ये लैंड से जा रहा है एंड वो सी पे लेने के लिए ऊपर बेंड होगा, इक्वेटर से दूर में बेंड होगा, क्यों, क्योंकि जनवरी का टाइम है, जनवरी का टाइम मतलब लैंड बहुत ठंडा है, लेकिन यहाँ पे क्या चलता है, नॉर्वेजियन करंट, नॉर्वेजियन करंट, ये नॉर्वे है तो नॉर्वेजियन करंट चलता है, तो उसके लिए इसे 0 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो उसे बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, कम टेम्परेचर चाहिए, कम टेम्परेचर के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि लैंड बहुत ठंडा है एंड अभी ओशन अभी भी गर्म है जनवरी में, तो इसलिए ये ऊपर की तरह बैंड होगा जनवरी के टाइम, आइसोथर्म के साथ ही होगा। एंड फिर अगर फिर ऊपर से, अगर फिर से लैंड में आना है, फिर लैंड ठंडी है तो फिर ये नीचे आएगा इक्वेटर की तरफ, तो ऐसा कुछ बनेगा कि जब ओशन पे होगा तो ऊपर जाएगा एंड लैंड पे होगा तो नीचे आएगा इक्वेटर की साइड, बिकॉज इक्वेटर की साइड, क्योंकि यहाँ पे 10 डिग्री पाने के लिए हमें इक्वेटर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये लैंड बहुत ठंडा है एंड ओशन गर्म है, तो कंडीशन ऐसी बनती है, जहाँ ये सी है, ये सी है, तो ये सी में ऐसे आएगी, फिर लैंड में ऐसे ऐसे, फिर ऐसे बैंड होगी, फिर अगर लैंड आएगा तो नीचे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, तो जब लैंड में आना होगा तो नीचे आएगी एंड अगर ओशन में जाना होगा तो ऊपर जाएगी। जनवरी का टाइम है एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और जुलाई की बात करें, जुलाई में क्या होता है, अगर सपोज ये आइसोथर्म में ये रशिया में जा रहा है एंड ये रशिया है, तो ये से
इक्वेटर, ये अगर ये लैंड खत्म हो गया यहाँ पे तो इस ये 0 डिग्री चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे जुलाई का टाइम है, जुलाई में लैंड बहुत गर्म है लेकिन ओशन ठंडा है, ओशन ठंडा है तो हमें 0 डिग्री पाने के लिए से और ज्यादा इक्वेटर के पास जाना पड़ेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। ये सरफेस है, ये लैंड है, तो यहाँ पे ऐसे बनेगा ये कुछ, क्योंकि ये सपोज 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री तो जैसे अभी जुलाई है, जुलाई है तो ये अभी ये जो ओशन है लाइक सी है वो ठंडी है, तो 0 डिग्री यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन अभी ये लैंड गर्म हो चुका है तो इसके लिए 0 डिग्री आपको और ऊपर जाना पड़ेगा, इतना यहाँ पे 0 डिग्री नहीं मिलेगा, तो ऐसे होता है ये। तो जनवरी एंड जुलाई में आइसोथर्म बिल्कुल अपोजिट एक्ट करते हैं, जनवरी में कैसे मूव करते हैं ऐसे, एंड जुलाई में ऐसे, ये अगर लैंड हो बीच में एंड इधर सीज हो। एंड सबसे ज्यादा कॉन्टिनेलिटी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिखती है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बहुत ज्यादा लैंड होता है एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर। एंड सबसे ज्यादा कॉन्टिनेलिटी ये रशिया में दिखती है, क्योंकि बहुत ही ये लैंड से बहुत ही ज्यादा दूर है, सबसे ज्यादा कॉन्टिनेलिटी का इफेक्ट रशिया में दिखता है, वहां पे मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी नहीं पहुंच पाता है। तो अगर ट्रोपोस्फीयर की बात करें तो ये टेम्परेचर पहले कम होता है, फिर यहाँ पे ट्रोपोपोज में बिल्कुल नॉर्मल रहता है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर होती है, स्ट्रेटोपोज में कॉन्स्टेंट रहता है, एंड फिर मीजोस्फीयर में कम होता है, फिर कॉन्स्टेंट रहता है मीजोपोज में, एंड देन कम थर्मोस्फीयर में बढ़ता है। एंड नॉर्मल रैप्स रेट होता है कितना कम होता है, 6.5 डिग्री पर किलोमीटर कम होता है, 6.5 डिग्री पर किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर जाके 13 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो जाएगा। अभी मीजोपॉज में कितना, -90 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, एंड ट्रोपोस्फेयर में -60 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, तो -6.5 डिग्री पर किलोमीटर कम होता है, 6.5 डिग्री पर किलोमीटर।